हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में सीखेंगे। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देन हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट करंट कैरिंग कंडक्टर, वी आर यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स और फोर्स का डायरेक्शन जो है फाइंड आउट करते हैं। सो लेट अस कम टू द पॉइंट। व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वायर। फ्लेमिंग गेव अ सिंपल रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस रूल इज नोन एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बच्चों कैसे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे। होल्ड द फोर फिंगर द सेंटर फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड एट राइट एंगल्स टू वन अनदर। ये तीन फिंगर जो है बच्चों, थंब, दिस इज फोर फिंगर एंड दिस इज सेंट्रल फिंगर, दिस इज सेंट्रल फिंगर। ये तीनों को बच्चों 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या करना है, स्ट्रेच करना है। व्हेन वी विल स्ट्रेच देम एट 90 डिग्री एंगल, और थंब जो है बच्चों दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड सेंट्रल फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट and this will be four finger will be pointing in the direction of flux or magnetic field and thumb will give the direction of force. This is what the Fleming left hand rule. So adjust your hand in such a way that the four finger points in the direction of magnetic field, center finger points in the direction of current, then the direction in which thumb point gives the direction of force acting on the conductor. So this is the basic idea of Fleming left hand rule, bachcho. Now we are going to apply Fleming left hand rule and we are going to observe how to find the direction of force on a current carrying conductor when it is placed in magnetic field. So first of all, kya karna hai bachcho, maan lete hain is plane mein cross magnetic field hai. Cross magnetic field kehne ka matlab kya hai, perpendicular to the plane and going inward. This is perpendicular to the plane and going inward. और एक वायर कंसिडर कर लेते हैं बच्चों, कंडक्टर कंसिडर कर लेते हैं। दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। सो इस पर जो फोर्स, सपोज करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ वी हैव करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, सो नाउ वी नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाई यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहां पर यह क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन of paper and going inward. ठीक है बच्चों, सो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है, लेट अस कम टू द पॉइंट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, अपने करंट को ऊपर की तरफ यहां पे शो कर रहे हैं हम लोग। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रेच करिए, जो कि बोर्ड के यहाँ पर जो कंप्यूटर स्क्रीन है इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है बच्चों। नाउ यू ओपन द सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है उस डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर को पॉइंट करिए। देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और थंब का जो डायरेक्शन होगा बच्चों दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये लेफ्ट डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सर ये कैसे डिसाइड किया,
बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में बच्चों आप फोर फिंगर को FF, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग पॉइंट कराइए, मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रल फिंगर बच्चों CF, सेंट्रल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट डायरेक्शन। देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। एक और डायग्राम यहाँ पर आपके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस बार क्रॉस नहीं डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, यह बोर्ड का जो प्लेन है इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह से है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और क्या डायरेक्शन है, इट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यह डायरेक्शन किधर है बच्चों, तो दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड, एंड आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ है। एक कंडक्टर कंसीडर कर लीजिए बच्चों और करंट इसमें इसी डायरेक्शन में कंसीडर करिए जैसे पहले कंसीडर किया था। सो दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field, current carrying conductor placed in magnetic field, placed in magnetic field. So जब बच्चों current carrying conductor magnetic field में होगा, force लगेगा इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं पिछले slide में जब cross magnetic field था तो left लग रहा था, जब dot magnetic field होगा बच्चों तो अब force किधर लगेगा, it will be in the rightward direction. So, आप यहां पर इमीडिएटली फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ मार्क कर दीजिएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सर कैसे, सो बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करिए यहां पर, नाउ यू अप्लाई दिस। सो कैसे अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यू नीड टू अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों, सो फोर फिंगर परपेंडिकुलर टू द कंप्यूटर स्क्रीन जो कि आउटवर्ड है अपनी तरफ, और करंट जो है बच्चों वह ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, दैट इज फ्लोइंग इन द आउट अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। सो यहां पर जो थंब है बच्चों दैट विल पॉइंट इन द राइट डायरेक्शन, सो थंब विल पॉइंट इन द राइट डायरेक्शन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू मस्ट बी वेरी क्लियर, थंब विल बी पॉइंटिंग इन द rightward direction. So now moving forward, यहां से आगे बढ़ेंगे बच्चों, let us discuss the point. So अगर हम एक और slide ले लें बच्चों यहां पर, let us take one more slide and discuss the same concept. मान लीजिए कि अपने पास ये यहां पर एक magnet है, this is north pole representing and this is south pole. और यह मैग्नेट का बाहरी हिस्सा है, दिस इज द आउटवर्ड रीजन। तो इस रीजन में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इट विल बी आउटसाइड द मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। सो यहां पर बच्चों एक वायर कंसिडर कर लीजिए, लेट अस कंसिडर वायर एंड द करंट फ्लोइंग इन दिस वायर इज लाइक दिस, दिस इज करंट कैरिंग वायर, this is current carrying wire, और इसमें बच्चों current इस direction में flow हो रहा है। so now you can apply Fleming left hand rule to find the direction of magnetic force. जब भी current carrying conductor magnetic field में होगा बच्चों तो उस पर force लगेगा, तो force का direction कैसे निकालेंगे, तो use Fleming left hand rule, use Fleming left hand rule to find the direction of force, to find डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो बच्चों अपने राइट हैंड के, नॉट राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करिए, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड। और कंडक्टर जो है बच्चों उसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो सर दैट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है,
सो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग आप पॉइंट कर दीजिए, करंट जिधर है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है फोर फिंगर को, और सेंट्रल फिंगर को बच्चों ऊपर की तरफ, क्योंकि यह ऊपर है, करंट भी ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। जब थंब को आप ओपन करेंगे बच्चों, तो इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो यह जो यहाँ पर यह जो कंडक्टर है बच्चों, यह अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन का जो इनवर्ड नॉर्मल होगा बच्चों, उस तरफ लग रहा है, मतलब अंदर की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे? क्रॉस। सो वील यूज क्रॉस सिंबल। सो ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो जब भी अपने पास मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर होगा, तो यहाँ पर ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, and this force is acting perpendicular to the plane and going inward. So this cross is representing direction of, here it is representing direction of force which is perpendicular to the plane and inward. So यहां पर बच्चों इसको आप पहले अंडरस्टैंड करिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।